तो आज मैं और मेरी क्लास पूरे स्कूल के साथ गोरखपुर में पिकनिक बनाने जू जा रहे हैं और सब बहुत ही एक्साइटेड। वैसे तो मेरी क्लास किसी जू से कम नहीं है, पर क्या करें यार, बच्चों के लिए करना पड़ता है। यकीन नहीं होता? कोई ना, फिजिक्स का टीचर हूँ, प्रैक्टिकल एग्जांपल देना तो मेरा कर्तव्य बनता है। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे, कहीं पे कोई बहुत खुश है तो कहीं पे उतना ही गुस्सा, और किसी को दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है। और पीछे बैक बेंचर्स ना जाने क्या कर रहे हैं, उनको डांटने के लिए जब मैं पीछे गया तो उन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो 2 घंटे के रास्ते को बस वाले भैया ने 4 घंटे बनाकर फाइनली हमें जू पहुंचा ही दिया। जू पहुंचकर हमने कई जानवर देखे, पर सारे जानवर अलग ही मूड में लग रहे थे। जैसे कि ये भालू ना जाने डांस के कौन से मूव की प्रैक्टिस कर रहा था। दूसरे भालू को हमने ज्यादा देर तक देखा नहीं, क्योंकि उसके बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल था। फिर आगे बढ़कर जब मैंने डक्स की फोटो लेने की कोशिश की तो भी नाकामयाब ही रहा। राइनोसोरस का नाम पूछने पर हमारे बच्चों ने कुछ अलग ही आंसर दिए। बताओ कौन है ये? जू में जब सारे बच्चे बहुत शांति से सारे जानवरों को देखकर अपने टाइम को एंजॉय कर रहे थे, तब ये पांचों मतलब बहुत गंदा साउंड कर रहा है। दिखा दोगे तुम लोग? चलो भाग जाओ, चलो कहाँ आया? अरसलान भैया को खा लो यार। चलो 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 आगे बढ़ो बेटा, हो गया। शेर के हाव भाव भी कुछ समझ आ नहीं रहे थे। आई गेस ये चिप्स मांग रहा है। इन लोगों को डांटते डांटते तो मुझे जो चीज मना किया जाए वही करो। चलो भागो यहाँ से। सर पूछ के जाओ, भाग जाओ। शायद आज इसने ज्यादा खाना खा लिया है तो खड़ा ही नहीं हो पा रहा है। फिर इस स्नेक सेक्शन में हमने कई टाइप के सांप देखे। और गाइस, इस सांप को देखने से तो मुझे बिल्कुल हैरी पॉटर वाली फील आ गई। जू में मजे करने के बाद अब हम गोरखपुर के प्लेनेटेरियम के लिए निकल गए, यानी तारामंडल। यहाँ बच्चों ने बड़ी शिद्दत से लाइन बनाकर प्रोग्राम के स्टार्ट होने का इंतजार किया। वहां पर हमें एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव प्रेजेंटेशन के रूप में बहुत कुछ सीखने को मिला। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि द शो वॉज अमेजिंग। तो दिन भर के इंजॉयमेंट के बाद अब हम वापस चल दिए घर की ओर। घर जाते जाते रात तो हो गई, पर रास्ते में बच्चों ने मुझे एक ऐसी दुकान दिखाई जिसका नाम बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद।